लुक एट दिस एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर हु डज दिस प्रोफेशनली मेरी ट्रे में 14 प्रोडक्ट्स है एंड दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स आई हैव सो एज अ नॉर्मल यूजर ऑफ स्किन केयर इफ यू हैव मोर देन टू That's a bit much. और इसीलिए ही मैं ये नहीं करती monthly favorites, unboxing, all of these stupid things I don't do because that creates a lot of pressure on buying new products. You need skincare based on your skin problem. You don't need every product that is being launched in the market. Hello, hello and welcome to Skincare Simplified. मेरा नाम है निपुन, आपकी skincare bestie and a certified skincare consultant. और आज की वीडियो में हम बात करेंगे about a very unnecessary category of skincare product that is toner. और ये unnecessary product category मुझे बहुत पसंद है. Now you need to understand one thing. Toners कुछ 15-20 साल पहले बहुत essential थे. क्यों? क्योंकि cleansers evolve नहीं हुए थे. Earlier our cleansers were very stripping. तो मुंह धोते ही चेहरा excessively dry हो जाता था. इसलिए skin के balance pH को balance करने के लिए toner चाहिए होता था. But this year और in this day and age toners मतलब उनकी एक्चुअली में कोई खास जरूरत नहीं होती बिकॉज क्लेंजर्स काफ़ी अच्छे खासे हो गए हैं. दे डोंट रियली स्ट्रिप योर स्किन. हाउएवर हमारे जो केमिस्ट हैं, जो हमारे कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं. सो नाउ वी गेट टोनर्स विद एक्टिव्स, टोनर्स विदाउट एक्टिव्स, हाइड्रेटिंग टोनर्स, टोनिंग मिस्ट, एंटी एजिंग टोनर्स. देयर आर सो मेनी टोनर्स अवेलेबल एंड इसलिए मैंने सोचा कि टोनर्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो होनी चाहिए फ्रॉम एन एंटी एजिंग पर्सपेक्टिव. एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर आई स्पेशलाइज इन थ्री थिंग्स: मेलाज्मा, एंटी एजिंग एंड एक्ने. एक्ने थोड़ा कम, क्यों? एक्ने का जो मेरा स्पेशलाइजेशन है इतना ज़्यादा नहीं है जितना एंटी एजिंग एंड मेलाज्मा है. मेलाज्मा इज समथिंग विच इज द क्लोजेस्ट टू माई हार्ट, जिसके ऊपर एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है. इनफैक्ट एंटी एजिंग, मेलाज्मा, एक्ने, हेयर केयर, इन सारे ही सारे कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स पे मैंने बनाई है डेडिकेटेड प्लेलिस्ट. स्किन केयर सिंप्लीफाइड इज द ओनली चैनल ऑन द इंटरनेट जहां आपको मिलते हैं डिटेल्ड स्किन केयर रूटीन्स, प्रोडक्ट को कैसे लगाना है, कब लगाना है, कितना लगाना है, और अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसे ठीक कैसे करना है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन कॉन्टेंट लाइक दिस, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग. मैं बनाती हूँ नई वीडियोज अब हफ्ते में 5 बार और बीच में कभी कभी मैं बोनस वीडियोज भी डालती हूँ. सो प्रीटी मच यू आर गेटिंग न्यू कॉन्टेंट 7 days a week. सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग. दिस इज अ साइंस बैक्ड साइंटिफिक चैनल. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ. Now you understand I'm a content creator, right? As a content creator, मेरे पास सिर्फ 14 toners हैं. And this includes toner, mist, सब कुछ. अगर as a content creator मेरे पास 14 हैं, तो as a normal skincare user, अगर आपके पास 2 से ज़्यादा हैं, that is a bit excessive. And that is one reason why I don't do unboxing videos, PR haul, what is it that I ordered. I just don't do it. I think it's a little silly and I don't do it for a very simple reason. And some of you guys have asked me in the comment section ki aapne koi haul video nahi banayi ya favorites video nahi banayi, and very sweetly you're giving me suggestions and I truly appreciate it. And I'll tell you main aisa kyun nahi karti hun. And it is important for you to know to understand. Even if I make an unboxing video or a new product video, which is a part of my daily life, I feel it creates a demand जहाँ डिमांड की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि एज अ नॉर्मल कंज्यूमर आपको हर प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड टू बाय प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन योर स्किन टाइप एंड योर स्किन कंसर्न. आई एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर नीड टू टेल यू अबाउट प्रोडक्ट्स विच विल वर्क ऑन मल्टीपल स्किन इशूज़. एंड उसमें भी इट इज़ ऑलवेज माई गोल कि मैं ज़्यादा 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 प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस ना करूँ. एंड विच इज़ वाई आई थिंक माई रिव्यूज टेक सो लॉन्ग. एंड या आई एम द वर्स्ट इन्फ्लुएंसिंग काइंड ऑफ influencer because I feel my job is to de-influence you. मुझे influence करना ही नहीं है आपको. बहुत सारे influencers हैं, मुझे de-influence करना है. Now I've got all my toners here. Let's get started with the video. And एक brand है जो मुझे बहुत पसंद है, but today I'm going to use it as a classic bad example, sort of bad example to tell you कि कैसे कैसे variety शुरू होती है. So the brand I really love and उनका hyaluronic acid is my absolute favorite all time skin proud smooth talk hyaluronic acid 2% jelly. Absolutely love them. Now उसी brand का example दे रही हूँ to explain to you something about toners. One of the first toners they launched was this. यहाँ बहुत ज़्यादा red लग रहा है but it's actually pink. It is the fruit smoothie. Now this is an enzyme toner and इसमें glycolic acid भी है. फिर उन्होंने लॉन्च किया ये रिफ्रेशिंग हाइड्रेटिंग मिस्ट. इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा हाइड्रोलिक एसिड, फ्रेग्रेंस वेरी बेसिक. फिर उन्होंने लॉन्च किया ये जेली ब्राइट एसेंस, बट दिस इज नॉट लाइक एन एसेंस एसेंस, दिस इज ऑल्सो लाइक अ टोनर. रैंडम.
फिर उन्होंने ये लॉन्च किया जो बहुत अच्छा है, विच इज बेसिकली अ डिटॉक्स टोनर टॉनिक, विच इज देयर AHA लैक्टिक एसिड टोनर, और इसमें सिर्फ 5% कॉन्सेंट्रेशन है. अब एज अ कंज्यूमर, इफ यू सॉ, लेट मी से यू सॉ 3 ऑफ दीज, आप कैसे चूज करोगे कि आपको कौन सा यूज करना है? स्पेसिफिकली इफ यू आर लुकिंग एट एंटी एजिंग बेनिफिट्स, हाउ आर यू गोइंग टू चूज व्हाट टोनर यू आर गोइंग टू यूज? सो चांसेस आर आप पहले ये लगाओगे, आप कहोगे कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर आप ये खरीदोगे एंड देन यू विल बाय दिस, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द टोनर मार्केट, राइट? एवरीथिंग लुक्स, द मार्केटिंग कॉपी इज सो ब्यूटिफुल कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि खरीदना क्या है, बिकॉज हर चीज के हिसाब से यू गोइंग हैव द मोस्ट फ्लॉलेस स्किन. नाउ अंडरस्टैंड द सिंपल रूल ऑफ थंब इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ टोनर्स. They are hydrating toners and they are exfoliating toners. ये दो category है. Exfoliating toners क्या होते हैं? Exfoliating toners होते हैं जैसे कि ये, इसमें fruit enzymes है, glycolic acid है, जैसे कि ये, इसमें lactic acid है, या फिर ये, इसमें BHA है, this is by pharmacy, ये है उनका deep sweep, या फिर Ren का ये, which is also got lactic acid. ये हो गए आपके exfoliating toners. Now exfoliating toners, हर toner के पीछे लिखा होता है, use it AM and PM daily for maximum results. My love, you will not use these toners daily for maximum results. डेली यूज करने से यू विल बी लाइक अ प्लक्ड चिकन. स्किन का बैरियर बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाता है. आई डोंट नो व्हाई ब्रांड्स राइट इट, एंड आई रियली फील दैट फॉर्मुलेटर्स की टीम मार्केटिंग टीम से कभी बात ही नहीं करती. मतलब वो कहीं किसी और देश में होते हैं, मार्केटिंग टीम किसी और देश में होती है. एटलीस्ट इन माई एक्सपीरियंस दैट्स वॉट हैपन्स. देर इज नो कनेक्ट बिटवीन दीज टू टीम्स एंड देर इज नो इन्फॉर्मेशन दैट इज एक्सचेंज. That seems like the only reason why you would have something as stupid as written कि आप एक AHA based toner या BHA based toner को दिन में दो बार use करें, सातों दिन use करें, your skin will be severely damaged. But that does not mean कि ये products खराब हैं, तो आपको इनको use ही नहीं करना चाहिए. नहीं, आपको इनको use करना चाहिए हफ्ते में 2 से 3 बार, and that is how you are going to use them. The other category of toners which are my favorite are hydrating toners. जैसे कि ये संबाइमी प्रोपोलिस टोनर, इसी का बहन भाई राइस टोनर, उसी का एक और वर्जन, नॉट एक और वर्जन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाइड्रेटिंग टोनर्स, द इंस्ट्री हायलुरोनिक एसिड टोनर. ये सारे के सारे जो टोनर्स हैं, दीज आर हाइड्रेटिंग टोनर्स. नाउ हाइड्रेटिंग टोनर्स, इस तरह के जो टोनर्स होते हैं, इन्हें आप सुबह शाम लगा सकते हैं, सातों दिन लगा सकते हैं. यू कैन यूज देम प्रीटी मच इन द मॉर्निंग, यू कैन यूज देम इन द इवनिंग, यू कैन यूज देम 7 times ऑन योर स्किन इन अ सिंगल रूटीन. आई हैव शोन दैट इन अ वीडियो. बेसिकली यू कैन गो क्रेजी विद द हाइड्रेटिंग टोनर्स, बट एक्सफोलिएटिंग टोनर्स के साथ यू नीड टू बी केयरफुल. एंड इसी में कैटेगरी नंबर 3, जो सिर्फ एक पैकेजिंग का चेंज है, प्रोडक्ट का नहीं, वो है टोनिंग मिस्ट. जैसे मुझे बहुत पसंद है बायोमा का ये बैलेंस टोनिंग मिस्ट. दिस इज बेसिकली गॉट अ फ्यू सेरामाइड्स, क्वालीन, हायलुरोनिक एसिड, प्रोबायोटिक्स, दैट्स ऑल इट्स गॉट. इट्स अ हाइड्रेटिंग टोनर जो स्प्रे फॉर्म में है. सिमिलरली यू गॉट द बायोसांस क्वालीन हायलुरोनिक एसिड टोनिंग मिस्ट, ये भी टोनर है जो स्प्रे फॉर्म में है. दैट इज ऑल. एंड देन समटाइम्स यू गेट अदर forms of toners, like you can get a toner with niacinamide, you can get a toner with retinol, etc. Again, let's just put this away. Okay. Now, ये हैं आपके दो टाइप के टोनर्स, एंड ये दो टाइप के पैकेजिंग में आते हैं, या तो डायरेक्ट बॉटल पे आते हैं या स्प्रे फॉर्म में आते हैं. नाउ फ्रॉम एन एंटी एजिंग पर्सपेक्टिव, व्हाट टोनर शुड यू हैव? लेट्स जस्ट गेट इनटू इट. Let's talk about what toner you should have from an anti-aging perspective. Now, exfoliating toners mein do type ke broad toners hote hain, AHA based, BHA based. AHA alpha hydroxy acid, BHA beta hydroxy acid. Alpha hydroxy acid ka form hai lactic, glycolic, mandelic. BHA ka toner usually aata hai BHA form mein ya salicylic acid form mein. अब जो BHA टोनर होता है, ऑयल सॉल्यूबल होता है, तो ये काम करता है आपके पोर्स पे, ओपन पोर्स पे, ब्लैक हेड्स पे, सेबेशियस फिलामेंट्स पे, सो एंड सो फोर्थ. लेकिन इसका एक ज़्यादा इफेक्टिव फॉर्म है जब आप इसे सैलिसिलिक एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड सेरम के फॉर्म में यूज करते हो, अलॉन्ग विद नायासिनमाइड 2 times a week. यू हैव ऑल सीन दैट वीडियो. इफ योर नोज लुक्स लाइक दिस एंड योर पोर्स लुक लाइक दिस, देन यूज दिस. सो बेसिकली सैलिसिलिक एसिड एंड नायासिनमाइड का ये रूटीन है
जो मैं रेकमेंड करती हूँ फॉर ब्लैक हेड्स एंड ओपन पोर्स, दैट मीन्स यू कैन हैव एन एक्सफोलिएटिंग टोनर जो है AHA बेस्ड, जिसमें होगा या लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड या मिंडेलिक एसिड. अब अगर तो आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है, ऑप्ट इन फॉर अ लैक्टिक एसिड बेस्ड एक्सफोलिएटिंग टोनर, जैसे ये रेन का है या फिर स्किन प्राउड का 5% लैक्टिक एसिड टोनर जो है स्किन डिटॉक्स. ये दोनों ही लैक्टिक एसिड टोनर्स हैं जिनके लिए आप ऑप्ट इन कर सकते हैं इफ योर स्किन इज नॉर्मल टू ड्राई. स्किन नॉर्मल टू ऑयली है, थोड़ी ज़्यादा ऑयली है, कॉम्बिनेशन में ऑयलीनेस ज़्यादा आ रही है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ ग्लाइकोलिक एसिड टोनर. ग्लाइकोलिक एसिड टोनर सबसे ज़्यादा फेमस इज द पिक्सी ग्लो टॉनिक. और भी बहुत सारे ग्लाइकोलिक एसिड टोनर्स के फॉर्म्स आते हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो यू कैन चेक इट आउट. बट द मोस्ट फेमस एंड द मोस्ट लो कॉन्सेंट्रेशन वन इज 5% पिक्सी ग्लो टॉनिक. Of course, you get 7% in ordinary, which is great if you have hyperpigmentation, but 5% in general is great. Or mandelic acid toner, ya PHA toners aate hain brands like Inky List mein, and you also get mandelic acid toners and serums in other brands, which you can opt for. So those are your basic toners that you need to have from an anti-aging perspective. Kyunki ye aapke skin ke dead skin cell ko exfoliate karte hain. When your skin is better exfoliated, आपकी स्किन पे जो आप रेटिनॉल लगाते हैं या जो हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स लगाते हैं वो बेटर पेनिट्रेट करते हैं. सो एक्सफोलिएशन इज की एंड विच इज वाई ऑप्ट इन फॉर एन एक्सफोलिएटिंग टोनर जिसमें हो AHAs. अगर आपके ओपन पोर्स हैं, ब्लैक हेड्स हैं, तो आप एक सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सेरम या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड सेरम को यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ टोनर यू शुड हैव एंड इनमें से कोई एक. नाउ लेट्स कम टू हाइड्रेटिंग टोनर्स. Now, hydrating toners may, of course, there are so many in the market. I am going to give you my top favorites and uske baad I will also link in the description box some others that you can opt in for. My most favorite, all-time favorite is the Some By Me Propolis Toner. This has honey extracts, which is really good for hydrating your skin, building the natural skin barrier. This is perfection. Iska ek bahut close product, dupe nahi kahungi, but something which is very close is the Propolis Toner by Cosrx, jo aapko easily India mein mil jata hai. But if you're living in the UAE, you're living in the UK, United States, you can opt in for the B5 Propolis Toner by Some By Me. This is my all-time favorite. And this is a Korean brand. The second one is this, which is Rice Toner, and this is from the brand I Am From. I Am From ka Rice Toner also is very hydrating and bahut similar tarike se kaam karta hai as the B5 one. Of course, the ingredients are completely different. This is rice, that is honey, but they are both hydrating toners. The other one that I really like, but I don't know if I like it as much, is the Hyaluronic Acid Toner by Innisfree. Innisfree क्या ये Hyaluronic Acid line जो है इसका मुझे sunscreen बहुत पसंद है. I love their creams in general. So in general, this is a good toner, but I haven't used it enough to know how much I love it, but it's a good one. अगर आप opt करना चाहते हैं for something in the spray form, then I highly, highly recommend the Bioma Balancing Mist. ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, स्पेसिफिकली इफ यू आर ट्राइंग टू बाय इट इन द यूनाइटेड स्टेट्स. इन द यूनाइटेड स्टेट्स दिस इज अबाउट $13 or $14, सो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. ऑफकोर्स इट्स प्रीमियम, बट इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. इवन इन UAE यू गेट इट ऑन कल्ट ब्यूटी, इट्स अबाउट 45 to 50 dirhams. अगेन नॉट दैट एक्सपेंसिव, बट दिस इज रियली रियली नाइस. एंड वट आई रियली इन्जॉय इन दिस इज दैट इसमें जो प्रोबायोटिक है बिफिडा फर्मेंट लाइसेट, दैट इज रियली रियली गुड फ्रॉम अ स्किन बैरियर बिल्डिंग परस्पेक्टिव. अदर देन दैट, ऑनेस्टली गाइज, देर 226,000 हाइड्रेटिंग टोनर्स इन द मार्केट. आप कोई भी लगा सकते हो. इन जनरल द बेस फॉर्मुलेशन ऑफ हाइड्रेटिंग टोनर्स आर ऑल वेरी सिमिलर. They are high in glycerin, they are high in hyaluronic acid, और hyaluronic acid के अलावा वो कोई एक और hero ingredient डाल देते हैं. जैसे Some By Me has honey, I Am From has rice, किसी और toner का कोई और hero ingredient होगा. A hydrating toner from an anti-aging perspective is something I highly, highly recommend. Whether you're in your 30s or you're in your 60s,
And as we age, understand that our skin tends to get drier, because as we age, as women specifically, and aging for women is very different than aging for men, as we age, there are hormonal changes that happen. And a lot of those hormonal changes lead to dryness. And one great way to combat dryness is using the 7 skin technique that I absolutely swear by. A Korean technique hai jisme aap apne toner ko 7 baar layer karke lagate hain, and that gives you the juiciest, the plumpest skin ever. That's the next video. I'm going to link it right here. I want you to watch it and I want you to try it. And in general, remember, 2 se zyada toners ki aapko zarurat nahi hai. In fact, you can just have a hydrating toner and then you can invest in serums for whatever else. But 2 se zyada toners ki aapko zarurat nahi hai. Always choose products based on your skin type and your skin concern. Main aapse milungi agli baar. Till then, take great care of yourself. Video pasand aayi, don't forget to like and subscribe. Take care. Bye.